असल डियर स्टूडेंट्स वेलकम इन क्लास ऑफ इंग्लिश फर्स्ट ईयर फ्राम पेराज एट जूम लर्निंग तो बच्चो आज हमारा जो लेसन है, उसका सेकंड है. हमने कल कम्प्लीट किया था जिसमें हमने राइटर की बायोग्राफी उसके कुछ मेजर वर्क और उसके प्रोफेशन के बारे में पढ़ा था आज हम लोग अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे स्टोरी की पेज नंबर है थर्टी एट आप लोग अपनी बुक्स ओपन करके अपने सामने रखें सबके हाथ में एक एक पेंसिल भी होनी चाहिए ताकि जो वर्ड मैं अंडरलाइन करवाऊं या जो मैं ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताऊं वो साथ साथ आप नोट करते जाएं क्योंकि बड़े जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हैं वो तो आपको स्क्रीन प्ले पे मैं दिखा ही दूंगी लेकिन कुछ छोटे छोटी ग्रामर्स लाइक एडवर्ब क्या है ये यहाँ पे इफला वर्ब है ये मतलब वर्ड्स वर्ब है एडवर्ब है इस तरह से वो आप साथ साथ नोट करते जाना तो इसलिए बी रेडी फॉर लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन द रिवॉर्ड स्टोरीज का मीन है सिला इनाम तो जैसे कि मैंने आपको कल समरी में बताया था कि बात है सिर्फ दो चीजों की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन मौका और, और अज्म पक्का इरादा इसी बात को लेके बहस हुई है ठीक है तो राइटर ने स्टार्ट पे यहाँ पे खुद को इन्वॉल्व किया है थोड़ा सा बाकी सारी जो स्टोरी है वो सेकंड जनरेशन में मतलब जो करेक्टर है स्टोरी का जर्कन्स और टर्बट इनके बीच में ही सारी बहस है ये स्टोरी विद इन स्टोरी है बच्चे स्टोरी विद इन स्टोरी का मतलब ये है एक स्टोरी वो जो राइटर राइट करता है और दूसरी स्टोरी वो जो उस उस स्टोरी के अंदर कोई करेक्टर सुना रहा होता है अब राइटर ने ये स्टोरी राइट की है ठीक है लेकिन इन स्टोरी आप लोग देखेंगे जरकन एक स्टोरी सुनाता है गॉर्जियस नाम के इंसान की तो उसको कहते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी तो ये राइटर ने जो टेक्निक यूज की है वो है स्टोरी विद इन स्टोरी मतलब एक स्टोरी वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं जो राइटर ने राइट की हुई है एक स्टोरी वो जो राइटर का करेक्टर एन अदर करेक्टर को सुनाता है तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं स्टोरी विद इन स्टोरी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्ट आक हमारी बात एट द क्लब क्लब में वन डे एक दिन ऑफ अपॉर्चुनिटी मौके पे थी एंड और इरादे पे एक दिन क्लब में हमारी बात या हमारी बहस मौके और इरादे पर थी आर्ट आक यहाँ पे मतलब राइटर अपने खुद को भी इन्वॉल्व कर रहा है बीच में क्लब वो जो सेटिंग है जहां पे सारी बहस चली थी वहां पे राइटर मौजूद था उस बहस के दौरान लेकिन यहाँ पे राइटर ने अपना सिर्फ पहली लाइन में ही जिक्र किया है उसके बाद स्टोरी को कंटिन्यू जर्कन्स टर्बर्ट जो राइटर के दोस्त थे उन्होंने कंटिन्यू किया है तो ऐसी नरेशन को हम लोग सेकेंड नरेशन कहते हैं तो अब देखो कहता है कि एक दिन क्लब में हमारी बात मौके और अज्म पक्के इरादे पर हुई ठीक है तो वॉज अ ऑफ अपॉर्चुनिटी बच्चे अब ऑफ अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट है इससे पहले हमने प्रेपोजिशन देखी है ऑफ तो ये क्या हुआ ये इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन वाज ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने पढ़ा हमारी जो बात है क्लब में वो मौके और इरादे पे हुई तो प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो या फिर आगे जेरेंड हो तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहते हैं प्रेपोजिशन एज यू नो दैट ऑफ इन ऑन आउट डाउन अप ये सारी एटसेट्रा ठीक है तो ये क्या करती हैं कि फॉलो करती है नाउन को या जेरेंट को इनके आगे या तो नाउन का यूज होता है या जेरेंट का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन दोनों क्या है दोनों नाउन्स हैं ठीक है ठीके? तो इनको हम लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन अब ये देखें ये बात का ऑब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन क्या है हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है बात किन की हो रही थी इन दोनों की तो ये दोनों क्या हुए ऑब्जेक्ट साथ uh, क्या इनको फॉलो क्या चीज कर रही है प्रेपोजिशन ऑफ तो ये क्या बन गए वो मेहनत का दिलदार है फॉन्ट ऑफ लेबर ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन है लेबर यहाँ पे क्या है नाउन है तो ये क्या बन गया नाउन प्लस ऑब्जेक्ट भी है जहर है आई एम मैं उसके इरादे पे खुश हूँ एट क्या है यहां पे? Preposition है, his determination यहां पे है, क्या है ऑब्जेक्ट है ठीक है स्मोकिंग यहाँ पे gerund है तो टू क्या है Preposition है। तो ये सारी चीजें इस तरह से फिर आगे देखें सम सेड नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो देखें पहला सेंटेंस क्लियर हुआ सम said कुछ ने कहा अपॉर्चुनिटी was रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस कामयाब होने के लिए या कामयाबी के लिए मौके का होना लाजमी है एंड मिलियंस और बहुत सारों के पास ये नहीं था या फिर नहीं है millions had, never had it. बहुत सारों के पास मौका नहीं बहुत सारों को ये मौका नहीं मिलता पहले इतना इतना क्लियर करते हैं कुछ ने कहा मीन ग्रुप है, एक फ्रेंड्स का आप यू समझ लें कि क्लब में फ्रेंड है पांच दोस्त है उनमें राइटर भी शामिल है चार और है. या फिर आठ है तो उनमें से कुछ ने कहा मतलब तीन चार ने कहा कि चांस जिंदगी में मौका मिलना कोई काम करने का चांस होना इंसान के पास ये जरूरी है कामयाब होने के लिए मौके का मिलना जरूरी है एंड मिलियंस नेवर हैड इट और बहुत सारों के पास लाखों करोड़ों लोगों के पास ये मौका नहीं होता जिसकी वजह से वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाते ठीक है अब देखें सम सेड वाज रिक्वायर्ड आपको पहले मैं ट्रांसलेशन क्लियर कर लूं यहां पे ट्रांसलेशन में मीन ये जो सेंटेंस है इसमें वाज का यूज है लेकिन जब मैं ट्रांसलेशन कर रही हूं तो मैं कह रही हूं कि कुछ ने कहा कि मौका जरूरी होता है या जरूरी है तो बच्चे ये बैलेंस करने के लिए मैंने आपको पैरेलल स्ट्रक्चर्स करवाए थे अगर आपको याद हो कॉलेज में तो ये उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर है कि पीछे सेड का यूज है पास्ट में बात हो रही है तो आगे भी हमने पास्ट में ही बात करनी है जाहिर है दोस्त जो है वो क्लब में कहीं पास्ट में बात कर रहे थे उसका उनकी जो आ, मतलब बात है वो डिस्कस अब कर रहे हैं हम तो हम उनको जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो पास्ट में बात करेंगे लेकिन जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम उनकी प्रेजेंट में करेंगे ये बैलेंस करने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए उन्होंने पास्ट में इंग्लिश में जो वर्ड्स लिखे हैं वो पास्ट में लिखे हैं एंड मिलियंस नेवर और बहुत सारों के पास मौका नहीं होता अदर्स दूसरों ने कहा ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड सिर्फ अजम इरादे के होने का जरूरी है या फिर पक्का इरादा होना जरूरी है कुछ ने कहा कि सिर्फ कामयाब होने के लिए सिर्फ मौके चाहिए होता है चांस चाहिए जो बहुत सारों के पास नहीं होता लेकिन दूसरे जो थे मतलब आठ थे उनमें से तीन ने कहा कि का होना जरूरी है बाकी जो बचे पांच उन्होंने कहा कि नहीं भाई पक्का इरादा होना जरूरी है अब यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रांसलेशन हो गई अब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं इस सेंटेंस का इसमें है यूज ऑफ सम, सम कुछ ने कहा बच्चों ये जो सम है ये एज प्रोनाउन और एज एजेक्टिव यूज होता है जहां पे ये एज प्रोनाउन यूज होता है वहां पे ये इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है आगे जाके मैं आपको इनडेफिनेट प्रोनाउंस करवाती हूँ फिर आपको ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा तो ये एज अ प्रोनाउन यूज होता है अब हम इसके यूज देखते हैं कि जहां पे ये एज अ प्रोनाउन यूज होता है वहां पे इसका यूज क्या है सम ऑफ द गर्ल्स आर कंफ्यूज्ड लड़कियों में से कुछ लड़कियां कंफ्यूज हैं सम ऑफ द गर्ल्स इसका मतलब है कि जो टोटल क्वांटिटी है किसी चीज की टोटल क्वांटिटी है पीपल की उनमें से कुछ अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सपोज कर लें इमेजिन कर लें कि क्लब में आठ दोस्त मौजूद थे उनमें से तीन ने कहा मौका लाजमी है तो वो तीन हम सम कहेंगे इनको सम सेड अब उस सम मेंशन नहीं है कि क्वांटिटी कितनी है वो तीन भी हो सकते हैं वो चार भी हो सकते हैं इसलिए इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा नहीं करते किसी एक इंसान की तरफ इशारा नहीं करते उसमें दो लोग भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं ठीक है अब सम ऑफ द गर्ल्स अब मतलब लड़कियां हैं क्लास में पच्चीस हैं अब उनमें से दस भी कंफ्यूज हो सकती हैं लेक्चर को लेके पांच भी कंफ्यूज हो सकती हैं तो आ, हमें एश्योर नहीं होते हम लोग एश्योरिटी नहीं होती हमारे पास कि जज करना टफ होता है बहुत सारे बच्चों में से कि कितने बच्चे कंफ्यूज हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं सम का सम ऑफ हिज डिटर्मिनेशन इज शैटर्ड उसका कुछ कुछ जो इरादा है वो बिखर रहा है मतलब इसका कि वो अगर हंड्रेड परसेंट किसी चीज के लिए डिटर्मेंट है अब उसमें से थर्टी या फोर्टी परसेंट वो घबरा रहा है कि मेरा ये इरादा कामयाब नहीं हो पाएगा ठीक है तो सम को यहाँ पे एज अ प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं जहां पे हमने पढ़ा है सम सेड और एज एन एडजेक्टिव इसका क्या यूज है कैन आई गेट सम मिल्क एडजेक्टिव क्या होते हैं? मैंने आपको ये करवाए थे कॉलेज में फिर भी रिपीट कर दूं कि एडजेक्टिव क्या है ये नॉन प्रोनाउंस की क्वालिटी में क्या करते हैं इजाफा करते हैं ठीक है ठीके? तो कैन आई गेट सम मिल्क तो यहाँ पे ये देखे क्वालिटी बता रहा है मिल्क की फिर उसके वुड like तो आगे हमने पढ़ा एंड मिलियंस नेवर के पास मौका नहीं होता चांस नहीं होता मैंने ट्रांसलेशन आज थोड़ी ही करवानी है हाफ पेज मैक्सिमम रीजन के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ज्यादा है तो आपने इनको गौर से देखना है अभी हमारा ये सेकंड सेंटेंस है और उसमें से हमने तीसरा जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मिलियंस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिलियन एंड मिलियंस मैंने आपको ये बताना है कि सिंगल जो वर्ड है वो कहाँ पे ये अमाउंट जो होती है हंड्रेड थाउजेंड मिलियन बिलियन डजन स्कोर योक पॉन्ड ये बच्चे ये जो हमारी करेंसी होती है इसकी ये टाइप्स हैं ये अमाउंट जो होती है इसकी ये टाइप्स हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होती है किस तरह से तो हम ये देखेंगे तो ये सिंगुलर एज अ सिंगल कहां पे यूज होता है जहां पे इनके साथ जो है वो नंबर डिजिट्स मैंशन हो अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट की जो क्वांटिटी है जो नंबर है वो मेंशन हो मतलब फाइव टेन टू वन इस तरह से ये याद रखें कि थाउजेंड मिलियन बिलियन डजन स्कोर यो पॉन्ड बेसिकली आप लोग ये चीजें याद रखें हंड्रेड थाउजेंड मिलियन बिलियन और डजन ये सिंगल वहां पे यूज होते हैं जहां पे इनके पीछे क्वांटिटी अमाउंट की क्वांटिटी एड हो ये नंबर डिजिट्स को फॉलो कर रहे हो जैसे टू मिलियन

टू स्कोर पेपर का मतलब होता है फोर्टी पेपर वैसे तो स्कोर को स्कोर में आपको पता है कि 20 things आती हैं ठीक ठीक है है ना तो यहां पे score आएगा scores नहीं आएगा नहीं फिर ये आप यूं समझ लें कि उसने कहा कि दो बंडल पेपर के वो बाय करेगा तो बंडल में ट्वेंटी पेपर्स होते हैं और टू स्कोर तो मतलब वो फोर्टी पेपर्स हो गए फिर ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, मिलियंस मतलब ये प्लूरल फॉर्म वाले कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहां पे इनके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है यहाँ पे मुझे पता है कि सेकंड सेंटेंस जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे मिलियंस के साथ ऑफ का यूज नहीं हुआ इस पॉइंट तक भी हम पहुंचते हैं पहले हम ये देख लें कि 100s 1000s millions billions dozens scores pounds ये सारे वहां पे एस इनके साथ लगता है जहां पे साथ में ऑफ लग रहा हो जैसे दीज नाउंस विद ऑफ टेक एस शी अंस हंड्रेड ऑफ डॉलर यहाँ पे हम करेंगे उसकी मुर्गियां दर्जनों अंडे देती हैं तो बच्चों वे हजारों सौ दर्जनों इस तरह की उर्दू में फिर हम ट्रांसलेट ट्रांसलेट करते हैं तो क्योंकि उर्दू कुछ ऐसे बनती है हजारों दर्जनों कुछ इस तरह से ठीक है लाखों करोड़ों तो मिलियन जो वर्ड है इसको विद भी हम सम में यूज कर सकते हैं जहां पे क्वांटिटी ऑफ पीपल शो कर रहा हो यहाँ पे मिलियंस नेवर हैड इट का मतलब है बहुत सारों के पास बहुत सारों के पास बहुत सारे क्या मतलब बहुत सारे लोगों के पास अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेंशन होता तो ये ऐसे होना था मिलियंस ऑफ पीपल नेवर हैड इट बहुत सारे लोगों के पास ये मौका नहीं होता अब यहाँ पे मिलियंस नेवर हैड इट है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्यों क्योंकि मिलियंस कुछ केसेस में ऑफ के बगैर भी यूज होता है जहां पे ये पीपल की क्वांटिटी और वो भी बहुत ज्यादा plenty इन प्लेंटी मतलब ज्यादा की क्वांटिटी में पॉजिटिव क्वांटिटी में शो कर रहा हो बता हो कि मतलब मिलियंस नेवर हैड इट बहुत सारों के पास ठीक है आई होप सो इतना इतना आपको समझ आ गया हो आगे देखते हैं ट्रांसलेशन की तरफ आओ एंड शामिलेशन सारी हमारे इरादे की करने के लिए आल फॉर डिटर्मिनेशन का मतलब है कि जर्कन जो भी बात करेगा वो सारी किसके हक में होगी डिटर्मिनेशन इरादे पक्के अजम के हक में होगी फिर इरादे सारी बात इरादे पे करने के लिए दाखिल हुआ इन इसका मतलब है ऐड एड़ होना का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मीन, फॉर्मनेस, मैंने पीछे वर्ड बताया है आपको इसका सीनेम है असेंशियल कंपल्सरी मतलब जरूरी है डिटर्मिनेशन या फिर अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी वाज रिक्वायर्ड तो रिक्वायर्ड मतलब जरूरी है ज्वाइंट मतलब एड होना इंटर होना अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे ऐसे हैं वो नोट करते जाना ज्वाइंट इन मतलब वर्ब होगा साथ में प्रेपोजिशन होगी तो इसको हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशनल वर्ब ज्वाइंट इन वेंट ऑन इस तरह से कीप्स ऑन इस तरह से आगे भी पढ़ेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं इनको हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशनल को जो फॉलो कर रही हूँ उनको हम लोग प्रेपोजिशनल वर्ब्स कहते हैं ठीक है तो जॉइंट इन यहाँ पे क्या है ये प्रापोजिशनल वर्ब है क्योंकि वर्ब हमारा जॉइंट है और इन हमारी प्रेपोजिशन है तो जब इनको इकट्ठे करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं प्रापोजिशनल वर्ब्स

गेट एनी थिंग अगर कोई इंसान इस पर कोई डटा रहा लेकिन हम चूंकि बात कर रहे हैं डिस्कस बहस चल रही है तो जहाँ पे बच्चे किसी पास्ट में कहीं पास्ट में कोई डिबेट हुई हो बहस हुई हो तो उसको जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो हम प्रेजेंट इनडेफिनेट में ही करते हैं रीजन कि वो बहस इन पास्ट हुई थी लेकिन हम उसको दोबारा रिपीट कर रहे होते हैं ठीक है थीके? इफ ए मैन वॉज डिटर्मन टू गेट एनी थिंग अगर कोई इंसान कोई चीज हासिल करने के लिए डटा रहे एंड स्टक इट टू लॉन्ग इनफ और बहुत देर तक उस पर डटा रहे अब ये जो लॉन्ग इनफ वर्ड है इसको अंडरलाइन करें इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाना है नेक्स्ट इट तो वो इसको हासिल कर ही लेता है सेट जर्कन जर्कन ने कहा कि कोई इंसान किसी इरादे में कामयाब होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो अपने उस इरादे पे बहुत पुख्ता तरीके से डटा रहे ये ट्रांसलेशन नहीं मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जर्कन के कहने का क्या मतलब था कि एक इंसान इंजीनियर बनना चाहता है जैसे कि मैंने कल आपको एग्जाम्पल दी थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता यूनिवर्सिटी के ड्यूज तो वो उसके लिए क्या करता है, अपनी जो क्वालिफिकेशन है उनके बिहाफ पे कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता है जॉब करके वो पैसे इकट्ठे करने की ट्राई करता है तो वो तब कामयाब होगा जब वो अपने डिटर्मिनेशन पे स्टक रहेगा अगर तो इंजीनियर बनने के लिए उसने कोई जॉब ढूंढी है उससे उसको काफ़ी पैसे मिलने लग गए हैं वो पैसे इकट्ठे करके वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है वो ताकि ज़्यादा पैसे कमा सके और फिर वो इंजीनियर बन सके लेकिन जब उसको ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाते हैं तो वो अपने उस इरादे को भूल जाता है जिसके लिए वो इस आया था प्रोफेशन में इस फील्ड में तो उसका वो जो इंजीनियर बनना था वो वहीं पर आ जाता है वो फिर कारोबारी इंसान बन जाता है तो इस तरह से फिर अरादे कामयाब नहीं होते हैं इस तरह से इसको हम लोग डिटर्मिनेशन नहीं कहते हैं डिटर्मिनेशन ये है कि चाहे उसको लाखों से आमदनी उसकी जो है ना वो आना शुरू हो जाए पर फिर भी वो इंजीनियर बन के रहे चाहे वो इंजीनियर बन के एज इंजीनियर जॉब ना करे ठीक है तो इस स्टोरी में हमने यही देखना है तो कहता है जर्कन यही बात कर रहा है एनी थिंग कोई भी चीज मतलब कोई भी चीज है जिसपे इंसान डट गया है तो वो हासिल कर लेगा तरबट के कहने का कुछ यू मतलब था एनी थिंग जरकन रिप्लाइड जरकन ने जवाब दिया हाँ जी कोई भी चीज सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट जितने लंबे अरसे तक वो इस पे डटे डटा रहता है एंड स्टिक्स इट टू हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ और जितनी पुख्ता इरादे से जितनी पुख्तगी से और जितने लंबे अरसे तक वो उस चीज के लिए डटा रहे एनीथिंग व्हाटएवर तो वो कोई भी चीज हो वो उसको हासिल कर लेता है मतलब तो तो एक इंसान है उसके लिए इंपॉसिबल है किसी चीज को हासिल करना ठीक है अपनी कोई बात मनवाना तो वो लंबे अरसे तक चाहे 20 साल लगे 40 साल लगे 50 साल लगे और बड़ी पुख्तगी के साथ उस चीज का अपने माइंड में मोटो बना ले कि मैंने भई ये चीज लेनी है तो बस लेनी है तो चाहे वो जोन सी भी चीज कैन गेट इट उसको हासिल कर सकता है तो यहां पे हमने वर्ड पढ़ा है तो ये है हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन हमने सम पढ़ा वर्ड अदर्स वर्ड पढ़ा था सेकंड लाइन में वो भी है इंडेफिनेट प्रोनाउंस तो हम देखते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस के बारे में बच्चे अ प्रोनाउन दैट डजेंट रेफर टू एनी पर्सन ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा नहीं करता अमाउंट की तरफ इशारा नहीं करता स्पेसिफिक अमाउंट की तरफ आर किसी भी स्पेसिफिक थिंग की तरफ मतलब किसी एक चीज एक किस्म की रकम या फिर एक किस्म की चीज पे ये इंसान की तरफ इशारा नहीं करता अनदर एवरीबॉडी नो वन एनीबॉडी एवरीवन मतलब एवरीवन अब देख के लोग हैं तो एवरीवन हर कोई अब ये

अब ये नहीं पता वो कुछ कौन से लड़के हैं तो वो क्या हो गए वो इनडेफिनेट हो गए प्लूरल देखे बोथ फ्यू मैनी अदर्स सेवरल ये प्लूरल इनडेफिनेट प्रोन है सिंगुलर आपके सामने है स्क्रीन पे आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इनका स्क्रीन शॉट भी ले ले Each, neither, someone, either nobody, something. अभी हमने क्या क्या पढ़े हैं एनीथिंग पढ़ा है हमने जो कि सिंगुलर में है सम पढ़ा है हमने ठीक है ये कभी कभी सिंगल में भी आ जाता है कभी कभी प्लूरल में भी आ जाता है नीचे लिखा हुआ है ऑल एनी मोस्ट नन एंड सम कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे काम करते हैं ये डिपेंड करता है उनकी फ्रेज पे कि उनकी फ्रेज में बात प्लूरल की हो रही है या सिंगुलर की हो रही है ठीक है तो ये है ट प्रोनाउंस जो हम पढ़ रहे हैं आगे देखें ट्रांसलेशन फिर हम इनफ की बात करते हैं नेक्स्ट तो बच्चे आ, देखें एनीथिंग तो हमने पढ़ लिया कि ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है ठीक है जरकन ने जवाब दिया एनीथिंग थिंग जर्कन ने जवाब दिया सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट आपको पता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग स्टेटमेंट बाद में पढ़ जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो हम स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन जो स्टेटमेंट होती है उसकी ट्रांसलेशन क्या करते हैं पहले करते हैं फिर हम किसकी ट्रांसलेशन करते हैं डायलॉग की तो जरकन से रिप्लाइड जरकन ने जवाब दिया कुछ भी ठीक है वो तो कोई भी तो कहते हैं कि कोई बहुत लंबे अरसे तक उस पर डटा रहता है वो किसी चीज पे उसको हासिल करने के लिए तो वो उसको हासिल कर लेता है चाहे वो चीज कोई भी हो आगे देखें टरबट डिसएग्रीड डिसएग्रीड मतलब अपोज्ड रिजेक्टेड टरबट गैर मुतफिक था टरबट जो है जो दूसरा था दोस्त वो उसकी बात से बिल्कुल भी मुतफिक नहीं था उसने डिसएग्री किया उसकी बात को अब दो चीजें हैं डिटर्मिनेशन एंड अपॉर्चुनिटी डिटर्मिनेशन के हक में बात कर रहा है जर्कन्स अपॉर्चुनिटी के हक में बात कर रहा है टर्बट टर्बट टोटली अपोज करता है किसके व्यूज को जर्कन्स के व्यूज को लाइफ इज लाइक अ रेस जर्कन्स वेंट ऑन अब जर्कन्स वेंट ऑन ये हमारी स्टेटमेंट है लाइफ इज लाइक अ रेस ये हमारा डायलॉग है ठीक है जिसे हम फ्रेज वो कहते हैं डायलॉग फ्रेज कहते हैं फ्रेज में जब हम बात करते हैं इसकी तो अच्छा या फिर नरेशंस uh, में जब ये आती हैं तो हम क्या करते हैं पहले डायलॉग का ट्रांसलेशन नहीं पहले स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करते हैं तो जर्कन्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा या फिर जरकन ने अपनी बात जारी रखी कि तो जिंदगी एक दौड़ की मानद है इन विच जिसमें इन विच अब ये लाइफ को uh, क्या कर रहा है शो कर रहा है इन विच यहाँ पे एज इंडिकेटर यूज हुआ है बच्चों जो कि इंडिकेट कर रहा है लाइफ को ते टायर जिसमें वो थक जाते हैं आफ्टर थोड़ी थोड़ी आगे जाके या देर बाद कहता है जिंदगी एक दौड़ है जिसमें दे यहाँ पे बच्चों पर्सनल प्रोनान यूज हुआ है पीपल वर्ड की जगह पे लग, मतलब जिसमें लोग थक जाते हैं तो दे क्या है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है जिसमें वो लोग थक जाते हैं कुछ दूर देर आगे जाकर या फिर थोड़ी सी दूर जाके एंड सीट डाउन और बैठ जाते हैं जिंदगी एक रेस दौड़ की मान्यता है जिसमें लोग थोड़ी आगे जाके थक जाते हैं और बैठ जाते हैं आर गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इन स्टेड या फिर किसी और चीज में दिलचस्पी लेना शुरू हो जाते हैं क्या तो जिंदगी एक रेस है इंसान किसी एक चीज पर डटके नहीं रह सकता इंसान जो है वो थोड़ी आगे जाके थक जाता है एक ही चीज का इरादा कर करके वो अकॉर्डिंग टू हिज ओन चॉइस वो क्या करता है कोई भी इंसान अपनी चॉइस को चेंज कर लेता है द मैन हु कीप्स वो ही रेस जीतता है अब देखें इसमें वेंट ऑन और कीप्स ऑन ये दोनों क्या है ये दोनों प्रेपोजिशनल वर्ब्स है वेंट वर्ब है तो ऑन प्रेपोजिशन है कीप्स वर्ब है तो ऑन क्या है प्रेपोजिशन है टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया है लेकिन ग्रामर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ज्यादा थे इसलिए ट्रांसलेशन हम थोड़ी ही कर पाएंगे आई थिंक so. हाँ जी तो आफ्टर अवाइल बच्चे आफ्टर यहाँ पे क्या है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि टाइम को शो कर रहा है आफ्टर बिफोर मैंने आपको करवाए थे ये क्या है ये एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफ इनफ इनफ देखना था हमने ये एज अडवर्ब और एज डिटर यूज होता है जहां पर ये एज अडवर्ब यूज होता है वहां पर ये दूसरे एडवर्ब या फिर एजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है और जहाँ पे ये एज ए डिटर्मिनट यूज होता है वहां पे यो चीजों की quantity को बयान करता है तो adjective plus adverb, enough का use हम देखते हैं long enough हमने पढ़ा word, तो यहाँ पे बच्चों लॉन्ग एडजेक्टिव है और इनफ क्या है एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है हमने पढ़ा था हाउस इज बिग इनफ टू लिव घर इतना बड़ा है कि हम आसानी से रह सकें तो बिग यहाँ पे क्या है एडवर्ब एडजेक्टिव uh, है और इनफ यहाँ पे एज एडवर्ब यूज हुआ है He is beautiful enough to win the competition. वो कंपटीशन जीत जाए इन यहाँ पे, पे क्या एडवर्ब है जो कि क्वालिटी में मजीद इजाफा करता है तो हमारे लेक्चर में हमने जो इनफ पढ़ा वो एज एडवर्ब यूज हुआ है लॉन्ग एडजेक्टिव के साथ आगे भी लॉन्ग इनफ है हार्ड इनफ है यहाँ पे भी एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है

अगर लेकिन फर्ज करो कि अगर कोई इंसान स्केटिंग सहारा एक बच्चे सहरा का नेम है सहारा का स्केटिंग बनना चाहता है स्केट करना मतलब वहां पे रिंग करना एक स्केटिंग करना जस्ट लाइक आप लोग ने देखा होगा टीवी वगैरह में भी कि वो स्नो पे बर्फ पे या फिर रेत पे स्केटिंग करते हैं ठीक है कहता वहां पे कोई मतलब कंपटीशन करना हो और वो वहाँ पे स्केटिंग का चैंपियन बने तो ये कैसे पॉसिबल है सर टर्बट टर्बट ने कहा सहारा में कोई भी स्केटिंग आ, स्केटिंग का जो है ना वो मैच वगैरह नहीं होता तो इसके बावजूद अगर कोई इंसान वहाँ पे स्केटिंग करना चाहता है तो वो कैसे करेगा टर्बटट ने कहा तो हम पहले क्या करेंगे स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करेंगे टर्बट ने कहा कि फर्ज कर लो अगर कोई इंसान जो है वो सहरा सहारा जो है वहां पे स्केटिंग का चैंपियन बनना चाहता है तो वो कैसे बनेगा एंड अफोर्ड द मनी टू गेट देयर लेकिन वहां जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है अफोर्ड मतलब करना endure करना कहता है है लेकिन उसके पास जो है, पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा ही वुड मेक द मनी वो पैसे बनाएगा जर्कन ने कहा तो पहले हम स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन करेंगे जर्कन ने कहा कि वो पहले पैसे बनाए मतलब पैसे कमाए एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा फिर वो रिंक मतलब वो एक एरिया फॉर जोस्टिंग एक वो रिंग बनाते हैं एक बड़ा सामेदान, जो है ना वो जगह मार्क करते हैं जहाँ ऑल रियलीस टाइम टू इट अगर वो अपना सारा काम जो सारा टाइम है सारा वक्त इसी काम को देता है तो अच्छा ने कहा कि वो पहले पैसे कमाए पैसे कमाएगा फिर वो स्केटिंग का एक रिंक वहां पे बनाया गया इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसमें भी रिंक ही वर्ड आएगा वो वहां पे एक स्केटिंग रिंक बनाएगा और फिर वो वहां पे स्केटिंग का चैंपियन बन जाएगा अगर वो अपना सारा का सारा वक्त इसी काम को दे या अपना सारा वक्त इसी काम में सिर्फ करे तो बच्चों हीड यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन है ही और वुड की हीड कंट्रेक्शन होती है कंट्रेक्शन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म को ही इड ही इड हमने यहाँ पे ये जो कंट्रेक्शन है ये दो तरह की होती है एक ही हैड की और एक ही वुड की हम यहाँ पे वुड की पढ़ रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा कि ये हैड की कॉन्ट्रेक्शन है या वुड की अगर तो हीड के पास uh, sorry, अगर तो हीड के बाद की यूज होगी तो वो वुड की कॉन्ट्रेक्शन है अगर तो थर्ड फॉर्म यूज होगी तो वो हैड की कॉन्ट्रेक्शन है ठीक हो गया फोर रह गए हैं काम ज्यादा है तो मैं सोच रही हूँ कि ट्रांसलेशन यहाँ पे ही एंड uh, करते हैं तो ये मॉडल वर्ब्स भी कल पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट जो है ये लेट का सजेशन भी कल मैं आपको इनशाला करवाती हूँ अभी जो मेन चीजें हैं पेरा वर्ड्स और क्वेश्चन कुछ देखते हैं क्वेश्चन देखे वॉज डिस्कस एट द क्लब एट ऑन वन डे क्लब में क्या डिस्कस किया जा रहा था आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसका स्क्रीनशॉट ले ले और व्हाट डिड थिंक ऑफ वट आर्गुमेंट व्हाट वर देयर व्यूज के के बारे में क्या सोचते हैं दोनों के व्यूज क्या थे हमने आज वाले लेक्चर में ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है सेकंड वाला भी कर लिया है और थर्ड वाला भी हमने कर लिया है हाउ कैन वन बी द चैंपियन ऑफ सहारा कि वो पहले मनी पैसे बनाएगा एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा और वहां पे ऑर्गेनाइज करवाएगा कंपटीशन और वहां पे वो क्या बन जाएगा चैंपियन बन जाएगा ये तीनों क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं अब अपने पेरा वर्ड्स देखें होल होल कहते हैं सुराख को देर वाज अ बिग होल इन द वॉल दीवार में एक बड़ा सा सुराख था होल मतलब तमाम शी स्पेंट द होल टाइम इन क्लीनिंग वो अपना सारा उसने अपना सारा काम सफाई वगैरह करने में ही गुजार दिया होप उम्मीद शी होप्स टू पास द एग्जामिनेशन उसको उम्मीद है वो एग्जामिनेशन पास कर लेगी होप मतलब उछलना ऐसा दगल होपिंग एंड जंपिंग मैंने लड़की को उछलते कूदते देखा ह्यूमन इंसान टू एड इज अ गलती इंसान का शेवा है टू फॉरगिव हिज डिवाइन और माफी सेवाए रहमान है मतलब अल्लाह ताला के बारे में ये कहा गया है उनकी उसकी सिफात के बारे में ह्यूमन मतलब बहुत ही रहमदिल शी इज काइंड एंड ह्यूमन लेडी वो बहुत ही अच्छी और नेक मतलब रहमदिल औरत है आइस Ice कहते हैं ठोस बर्फ को सख्त बर्फ को आइस एंड वो सख्त बर्फ पे फिसल गई और गिर गई स्नो कहते हैं बच्चों सी जस्ट लाइक like आपने कॉटन रुई की तरह की बरबरी सी जिस पे आप लोग वॉक कर सकते हो जिसमें आप दंध सकते हो लेकिन जिस पे गिरने से आपको चोट वगैरह नहीं लगती है इतनी सख्त नहीं होती आउटसाइड इट इज हैवीली बाहर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है आइडल आइडल का मतलब होता है निकम्मा ही इज एन आइडल पर्सन वो एक निकम्मा आदमी है आइडल बुत द हिंदू वर्शिप आइडल्स हिंदू जो है वो बुतों की पूजा करते हैं बाकी दो मिनट है आपके पास ताकि आपने जो पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन कर सकें ठीक है बाकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन रह गई है वो हम अब कल कंप्लीट करेंगे